ਸੋ ਹੈ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਸ਼ੇਬਲ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਮੈਸ਼ੇਬਲ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਬਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਯੋ ਯੋ ਜਬਰਾ ਫੈਨ ਚਮਕ ਸੀ ਕੋ ਚੱਲੀਏ ਆ ਚਮਕ ਸੀ ਕੋ So guys, welcome back to another video. तो आजकल हनी पाजी के इंटरव्यूज की एकदम लाइन लगी पड़ी है. जस्ट अभी अभी उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें भाई साहब उन्होंने दो बहुत ही बड़ी चीज रिवील करी है. एक को तो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. करण औजला का एक गाना है मैक्सिको जो कि 3 साल पहले ड्रॉप हुआ था. सो हनी पाजी ने ये रिवील किया है कि ये वाला सॉन्ग करण औजला ने हनी पाजी के लिए लिखा था. ओके यार, मतलब बहुत बड़ी गल है. वाह यार, ये चीज़ा साढ़े अंदर ही पता नहीं कितने लुकिया हुई ने, पता ही नहीं है सानू यार कदों ये चीज़ा लाइक इन्ने इन्ने टाइम बाद बाहर आ रही ने. था लेकिन कुछ चेंजेस करने की वजह से हनी पाजी ने ये सॉन्ग नहीं गाया. आप लोग पूरी स्टोरी खुद सुन लो. करण ने कितनी फाड़ दी है सबकी. भाई करण नौजला तो ये तो बहुत बच्चे होंगे जब आप थे, आप लोग वहाँ पर सीन में. याद इनसे मुलाकात नहीं हुई होगी. नहीं, मेरी करण से बात नहीं, फोन पे काफी टाइम से बात होती थी. अच्छा. फिर मुझे बाद में पता चला करण है ही नहीं, इसका मैनेजर है. मैंने कहा ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, कितने टाइम पे बात कर रहे थे. 2 साल उससे बात कर. ओह शिट मैन, पता रहा. अरे उसने गाना भी भेजा मुझे और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके शो को रिवील करता हूँ. हाँ. जो उसका गाना है मैक्सिको वाला. हाँ जी. वो उसने मेरे लिए लिखा था. और ही वांटेड कि मैं गाऊं उसे. ओह. तो जब मैंने कहा हाँ यार गाना ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं जो मेरे को जैसे डिस्कस करनी है, कुछ चेंजेस करवाने. अच्छा. तो वो टेक्निकल बात पे आए ना. फिर मैंने कहा ये बंदा टेक्निकल बात पे क्यों नहीं आ रहा. फिर बड़ी टाइम बाद फिर उसने मेरे को बोला कि पाजी आई एम हिज मैनेजर, सॉरी मैं थोड़ा ना गल कर रहा थी. अभी सॉरी क्या करेगा यार, ये क्या बात है यार. ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜੀਵ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਨੇਜਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਦੀਪ ਰਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹੈਨਾ. ਫਿਰ ਅਭੀ ਮੇਰੀ ਅਭੀ ਕਰਨ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਪੀਛੇ, तो अल्फाज ने बात कराई. हाँ. तो फिर मैंने अल्फाज बोला मैं करण नहीं है ना, कहते हाँ करण नहीं है मैं, ठीक है. मैंने 2 साल मैंने पागल बनाया गया बंदा एक. सो ये स्टोरी काफी ज्यादा फनी थी. आई होप हमें फ्यूचर में बहुत जल्द इन दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिल जाए. वैसे इसी इंटरव्यू में जो दूसरी चीज हनी पाजी ने बताई है वो ये है कि पैराडॉक्स के साथ वाला गाना पायल जमैका के अंदर शूट होगा. अलग अलग मुल्कों में मैं ग्लोरी को शूट कर रहा हूँ. नाइस. अब पायल एक गाना है जिसकी बहुत डिमांड आ रही है. ओके. 2 दिन के अंदर वो गाना ऑडियो भी बहुत अच्छा पिक हो गया है. हाँ. तो उसका शूट मैं जमैका में करूंगा. मैं कभी जमैका गया नहीं, क्योंकि वो जो जॉनर है म्यूजिक का जी, वो डांस हॉल है. डांस हॉल जमैका का जॉनर है. ओके. और मैंने ये वर्ल्ड का पहला तबला डांस हॉल बनाया. आप गाना सुनना. यार बहुत बंदा जो म्यूजिक बना रहा है शायद वो लाइक इन्नी छेती नहीं समझ आता. इन्नी छेती वो वाइब बड़ी छेती हो जाती है, बट म्यूजिक बंदा की बना रहा है, किवें फ्यूजन क्रिएट करता है. म्यूजिक द गॉड है यार बंदा. नेक्स्ट अपडेट कुछ ऐसी है कि योयो और एमी वे के हेटर्स को अच्छा मौका मिल चुका है इन दोनों के बीच में फाइट कराने का. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले हनी पाजी का एक और इंटरव्यू आया है जिसमें उनसे जब किंग वर्सेस एमी वे की बीफ का पूछा गया तो वो कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं. अभी वो चला एमी वे का एंड किंग का बीफ. ठीक है. और मतलब लैंग्वेज काफी एक्सप्लिसिट भी हो गई. रेसिस्ट ये वो वगैरह वगैरह. मुझे खबर तो रहती है कि मेरी टीम के लड़के बताते रहते हैं कि ये सब चल रहा है, तो मैं उस कल्चर को प्रमोट ही नहीं करता हूँ. मेरे ऊपर इतने बीफ हुए, मैंने जवाब नहीं दिया किसी को. आपको तो ओपनली रहा है, सबको पता है. सबको मैंने जवाब नहीं दिया किसी को. कहीं से कुछ गाने नहीं, कुछ नहीं, मैंने करते रहो. तो आजकल देख रहा हूँ मैं अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपस में लड़ रहे हैं. तो वो कहीं ना कहीं नकल कर रहे हैं कालों की. वो कहीं ना कहीं नकल कर रहे हैं उस अमेरिकन हिप हॉप की. बट दिस इज नॉट हिप हॉप ब्रो, दिस इज नॉट हिप हॉप. दे जस्ट पिक्ड अप दिस इजी एक्सेस टू जस्ट बी इन द न्यूज. जस्ट बी इन द न्यूज के मेरा गाना नहीं चल रहा, चल मैं इसको बीफ कर देता हूँ. 4 व्यूज तो आएंगे, फिर रिएक्शन आएंगे, फिर कमेंट्स आएंगे इस छोटे. नहीं वैसे देखा जाए तो यह भी एक तरीका है, मतलब कि यह भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है. आप कह सकते हानी भाई द नॉट रोंग, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू यह भी है कि बीफ इज़ नॉट बैड. हर बंदे का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे ने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोचता वो हर चीज़ में लैके. बट हाँ, यह भी चीज़ कि ना कि आप कह सकते हैं कि हाँ जी बाई चांस गाने थोड़े उपर थले चल रहे हैं तो बीफ तो बंदा करता है. ये चीज़ तो मैं देखी है इंडिया खास करके. ये चाहे कोई पंजाबी म्यूजिक हो, चाहे डी एच एच अपना देसी हिप हॉप रैप हिंदी साइड हो, कुछ भी हो, होता है सीन. ऐसे लालच में फंसे हुए. सो बेशक हनी पाजी ने जो बोला है वो एकदम सच है, लेकिन ये चीज उन्होंने एमी वे का नाम लेके नहीं बोली थी. उन्होंने जनरली डिस ट्रैक्स के ऊपर अपना ओपिनियन दिया है.
उन्होंने इनडायरेक्टली जियान भाई को बोला है, जो कि बिना कोई रीजन के डिस करता है एमी वे के पास तो डिस करने का रीजन होता है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि योयो और एमी वे के हेटर्स वो इसी क्लिप को काट के अब इन दोनों के बीच में फाइट कराएंगे। कुछ बिकाऊ हिप हॉप पेजेस ने तो ऑलरेडी ऐसे पोस्ट करना चालू कर दिए। इस बार एमी पक्का डिस निकाल देगा, वो बेचारा बीफ रैपर वाली इमेज बना रहा है, हनी पा जी ने बीफ को ही गार्बेज बोल दिया। ये हैं, सो आप लोग इन सब से दूर रहो, योयो और एमी वे जब तक साथ रहेंगे इन सब की जलती रहेगी। तो इंटरनेशनल विजिटर 2 में एमी वे बनता है, मुझे योयो बुला के देख मैं ग्रामे ले आऊंगा। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हनी 3.0 के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग कूले कूले ने अभी अभी पूरे 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर ली। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, ठीक है। इसको लेके अपाची सर ने कुछ ऐसी पोस्ट करी है और सभी को थैंक्स बोला है, लेकिन एंड में वो लिखते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशंस ऑफ द डिकेड, जो कि 100% सच है। अपाचे इंडियन इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ते नाले हरी सिंह भाई मिलियनर 42 मिलियन हो चुके हैं, 42 मिलियन ओनली इन 11 डेज। मेनु लग रहा है कि शायद 20 दिनों दे विच विच या एक महीने के लाइक टोटल 30 डेज के गाना 100 मिलियन क्रॉस कर देगा, जो इदा ही ग्रो होंगे रहा जिस हिसाब ना हो रहा है। बिग मैन, बिग 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 बिग, सत श्री अकाल।